और एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन के दिन 22 जनवरी को बेहद खास बताया है। उन्होंने कहा कि ये खुशी भारत के 140 करोड़ हृदयों से जुड़ी हुई है। पीएम ने कहा कि उनके लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या हर घर राम आने का है, यानी कि उनकी तरफ से कहा गया कि ये खुशी सिर्फ मोदी की खुशी नहीं है, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री की खुशी नहीं है, या अयोध्या या उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशी नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, 22 जनवरी हर घर अयोध्या हर घर राम आने का है। अब अगले महीने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और इस अद्भुत समय के साक्षी बनने वाले हैं। मंदिर पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन का दिन 22 जनवरी मेरे लिए बहुत खास दिन है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो खुशी है ना वो सिर्फ मोदी की नहीं है बल्कि ये खुशी भारत के 140 करोड़ हृदयों की है। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या हर घर राम आने का है, यानी कि जैसा सेलिब्रेशन जैसा जश्न अयोध्या के वासी मनाएंगे वैसा ही जश्न पूरे हिंदुस्तान में होगा और हर कोई सोचेगा कि मेरे ही घर पर राम आ रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी आर्टिकल 370 को वापस नहीं करा सकता और ये बयान ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इस पर आ चुका है, जो इससे पहले तमाम सवाल उठाए गए थे। ये कहा गया था कि उसे असंवैधानिक तरीके से हटाया गया और इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। और ये भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कहते रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने का मकसद गरीब युवा महिला और वहां पर रहने वाला खास तौर पर एक एक जो युवा है उनका विकास करना था और वैसा ही अब घाटी बदलती हुई भी नजर आ रही है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब 370 की वापसी करा नहीं सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। विपक्षी दलों को चाहिए कि वो अब सकारात्मक काम में लेंगे, यानी कि विपक्षी दलों को भी इसको लेकर नसीहत दे दी है कि अब ऐसे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है, यानी कि इस पर कोई भी दो राय दो मत रह नहीं गया है, 370 हटाने के फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे जो लोकल पार्टीज थी वो इस पर राजनीति करती रही हैं, हालांकि उनकी राजनीति अभी भी बंद नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये नसीहत है विपक्षी दलों को कि अब वो सकारात्मक तरीके से इसे काम में लेंगे आने वाले समय के लिए।